हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द दृष्टिको बायोलॉजी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर न्यू टॉपिक इज द ग्लैंड्स लाइक दैट द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस इज नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द अदर लेफ्ट ग्लैंड एक्सेप्टिंग हाइपोथैलेमस। ओके, तो आज एग्जैक्टली अपन सेकेंड पार्ट ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन के सेकेंड वीडियोस के बारे में, सेकेंड अपन टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपने को अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पूरा हॉर्मोन्स का अपन ने देखा था एग्जैक्टली किस टाइप से हॉर्मोन्स क्या है, ये किस तरह से क्लासीफाई है। ओके, नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दैट द वन बाय वन हॉर्मोन्स एंड वन बाय वन ग्लैंड्स। ठीक है, और एक बार एक एक आपके ग्लैंड्स के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द टू ग्लैंड्स, फर्स्ट इज द हाइपोथैलेमस एंड सेकेंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस हैव द टू फंक्शंस, उसके पास में दो मेजर मैकेनिज्म है, मीन्स इसके पास में कहेंगे हैव अ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस हैव अ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, इसके पास में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है, यहाँ से ही वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, आपके रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब इसके टू पार्ट के फॉर्म में रेगुलेट करता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो देखा पूरी के प्रोसेस को समझा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स दैट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट तक ये क्या रहता है, एक्सटेंडिंग रहता है। तो एग्जैक्टली अपन कहेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट को नाम दे दिया अपन ने न्यूरो हाइपोफाइसिस। बट अगर बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वो एक्सटेंड नहीं होते एंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम होता है, तो वहाँ कहेंगे एक ब्लड कैपिलरी सिस्टम काम करता है, इसको कहेंगे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, या कहेंगे हाइपोफाइशियल ब्लड पोर्टल सिस्टम। मीन्स वहाँ के जितने भी आपके न्यूरो सिक्रेटरी सेल से जो भी मैसेज होंगे, जो हॉर्मोन्स होंगे, जो हाइपोथैलेमिक से रिलीज होने वाले, वो सीधे ब्लड कैपिलरी में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से टारगेट ऑर्गन मीन्स दैट द एंटीरियर पिट्यूटरी के वहाँ पर आपके जो ट्रॉपिंग एरियाज है उनके अंदर, सिक्स टाइप के ट्रॉपिंग एरियाज है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सब इंट्रोडक्शन के बनने बारे में बात की। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं अभी अपना टॉपिक आज हाइपोथैलेमस, या कहेंगे हाइपोथैलेमस क्या है, पहले नाम दे दिया इट इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना। पूरी बॉडी की मास्टर ग्लैंड को तो पिट्यूटरी कहते हैं, बट पिट्यूटरी को भी एक ग्लैंड से वो कमांड देती है जिसका नाम है आपके, नाम देंगे अपन हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, चलिए हाइपोथैलेमस की बात करें तो किससे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की, तो कहेंगे गुलेनियन एंड स्कैलिनर। ओके, अब देखिए मैंने कहा पहले भी कहा ये आपके ये लिंकिंग है, किसके हाइपोथैलेमस किस किस के बीच का लिंकिंग है, तो लिंकिंग बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक बैठाने का काम जो कर रहा है, बीच में मीडिएटर का काम जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है आपके, ये हाइपोथैलेमस। हम इस कहेंगे नर्वस से जो नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन से जो मैसेज आते हैं इन फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स, मोस्ट ऑफ इस नर्व इम्पल्स वाले मैसेज को केमिकल मैसेंजर के अंदर कन्वर्ट करने का जो एक काम है वो कौन कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस कर रहा है। क्लियर। फिर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है उन हार्मोन को कहेंगे ट्रॉपिन हार्मोन।
हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का क्या नाम देंगे? ट्रॉपिन हार्मोन, है ना? बिल्कुल करेक्टेड है ना, ठीक है ना, भूलना मत अच्छे से। तो इस तरह से अपन ने बात की एग्जैक्टली कि क्या है आपके, तो कहेंगे अपन हाइपोथैलेमस आपके क्या माना जाता है, तो लिंकिंग है, किस किस के बीच की लिंकिंग है, तो अपन नाम देंगे अपन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का जो लिंकिंग है उसको अपन हाइपोथैलेमस कहेंगे, ठीक है। इससे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स को नाम देंगे अपन ट्रॉपिन हार्मोन, क्या नाम देंगे अपन ट्रॉपिन हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है तो इसके बारे में थोड़ा अपन देखने की ट्राई करते हैं। चलिए हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स है उसको दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो इन सबका नाम पता होना चाहिए, GnRH, गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिन मतलब गोनाड्स, गोनाड्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को क्या करते हैं आपके रिलीजमेंट करवाने के रेस्पॉन्सिबल है। कॉर्टिकोट्रॉपिन, देखो ट्रॉपिन सब जगह नाम क्या है, ट्रॉपिन, ट्रॉपिन मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा, ठीक है। फिर TRH, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। पता है कहाँ से रिलीज होता है ये, रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, कहाँ जाके फंक्शन करता है, तो पहले भी पढ़ने पड़ा किडनी के अंदर, किडनी में भी कहाँ, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में भी कहाँ, DCT के अंदर, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन ये कहाँ काम करता है, तो कहेंगे एग्जैक्टली मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है, जहां पे आपके मिल्क का सिक्रेशन करवाने के रेस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज इसके साथ ही साथ का काम करता है आपके इन टाइम ऑफ द पाचुलेशन, है जब बच्चे का जन्म होता है तो यूटेरस को रिलैक्स और कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बट इज नोन एज द लविंग हार्मोन। चलिए फिर अगर बात करें एग्जैक्ट, अब इसको टू पार्ट में कैसे डिवाइड किया, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ये जो हार्मोन है ध्यान से सुनना, ये जो हार्मोन है ये हार्मोन किस पे वर्क करते हैं, तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ, ये जो हार्मोन वर्क करेंगे वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं, मतलब नाम क्या दे दिया, एडिनो हाइपोफाइसिस, नाम क्या दिया, एडिनो हाइपो फाइसिस, ये कहाँ वर्क कर रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क कर रहे हैं, वो लिखा भी है एडिनो हाइपोफाइसिस। चलिए पहली पहली बात करते हैं, GnRH कहाँ आपके एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जाएगा और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, FSS और LS, ये किसके अंदर है आपके, ये गोनाड्स के अंदर आपके जाएगा, गोनाड से आपके सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है फ्रॉम द कहेंगे ओवरी और टेस्टिस से, सिंपल। फिर इसी तरह से आपके एडिनल CRH कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद जाएगा और वहां से ACTH मतलब एडिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये कहाँ से आपके कहाँ जाएगा, तो कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और वहां से हार्मोन को रिलीज करवाएगा, सिंपल। नाउ TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के बाद जाएगा और वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा, तो कहेंगे थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये थायरॉयड के पास जाएगा, थायरॉयड ग्लैंड के पास जाकर किसका रिलीजमेंट करवाएगा, T3 और T4 थायरोक्सिन हार्मोन एंड थायरो क्या कहेंगे कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। फिर PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट्स आर कहां जाएंगे ये आपके एडिनो हाइपोफाइसिस एंड हेयर दिस हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजमेंट ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन, दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन द टारगेट ऑर्गन इज दैट द मेमरी ग्लैंड्स, क्या है ये
मेमोरी ग्लैंड्स इसका आपके टारगेट ऑर्गन है, ओके। एंड जीआरएच आरएच मीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आर प्रोड्यूस दैट ग्रोथ हार्मोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखेंगे अपन कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सीधा जाता है आपके कहाँ, आपके लीवर के पास में जाएगा। एंड लीवर के पास में दो कंडीशन प्रोड्यूस करवा सकता है, देन फर्स्ट इज द हाइपो या हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर देखेंगे आगे अपने इसको भी यहाँ नहीं पढ़ना अपने को, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपो कैल्सीमिया, ओके। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो किसके अंदर हुआ कहेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एक डायग्राम बना के देखते हैं, ये पिट्यूटरी है, ये का नाम देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ, ये सब हार्मोन रिलीज हुए एडिनो हाइपोफाइसिस से, इस ग्लैंड से, बट ये सब रिलीज होने के रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो हाइपोथैलेमस से हुए, हाइपोथैलेमस ने उनको रेस्पॉन्स दिया तब जाके ये हार्मोन रिलीज हुए। तो कहेंगे हाइपोथैलेमस क्या है, आपके मास्टर की मास्टर ग्लैंड मानी जाती है, ठीक है। चले इसके अलावा आपके इसी हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, फर्स्ट कहेंगे एडीएच, ये जो पार्ट आपके दिख रहा है इस पार्ट का मैं नाम दूं तो क्या नाम दूंगा आपके, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस मीन का मीन क्या है, या अपन कहेंगे एग्जैक्टली द नर्वस सेल सीधे कहाँ होती है आपके। अब देखो इसमें एग्जैक्ट होता क्या है, ये थोड़ा समझने की ट्राई करें। सपोज यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इसका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, जैसा हाइपोथैलेमस या कि जो नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स आपके एक्सटेंड रहती है कहाँ तक, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, मतलब यहाँ के सीधे मैसेज सीधे यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से आपके डायरेक्ट आपके मैसेज सोन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें अपन तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक आपके न्यूरॉन्स नहीं होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से जो भी मैसेज आएगा वो एक टाइप की ब्लड फ्लक्सेस के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंट्री करेगा यहाँ से, और वो यहाँ आके आपके जो आपके सेंटर्स है, सिक्स सेंटर्स है, इन सेंटर्स को ये आपके इंडिकेट करेगा, तब जाके ये आपके हार्मोन रिलीज होंगे। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं अपन हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम, क्या नाम देंगे, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। होप्स आपको सबको समझ में आ गया होगा, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। ये जो हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ तक आपके न्यूरॉन्स एक्सटेंड नहीं हो सकते, इसलिए कि बीच में एक लिंकिंग बनानी होती है, बट यहाँ पे किसी लिंकिंग की जरूरत नहीं है, हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका नाम है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच कहा जाता है किडनी के पास जाता है और किडनी से आईजीएफ फैक्टर आपके रिलीज करवाता है, और आईजीएफ फैक्टर से वही वापस प्रोसेस कौन सा करवाने की रेस्पॉन्सिबल है, तो कहेंगे अपन हाइपर कैल्सीमिया और कैल्सीमिया इसके रेस्पॉन्सिबल है। फिर ऑक्सीटोसिन जो मेमोरी ग्लैंड के पास जाता है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके, ऑक्सीटोसिन है। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से। तो अपन ने बात की एग्जैक्टली क्या बात की कि ना पूरा अगर हाइपोथैलेमिक सिस्टम को देखा जाए तो हाइपोथैलेमिक सिस्टम आपके टू मेजर पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, है ना, जो नाम दे दिया। तो एक तो कहाँ फंक्शन करता है आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के वहाँ पे, और दूसरा फंक्शन करता है नीरो हाइपोफाइसिस। देखो नीरो, नीरो का मतलब क्या, नर्व सेल्स, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नर्व सेल्स एक्सटेंड होती है, लेकिन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे भी अपन पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली ये किस तरह से प्रोसेस हुआ है। तो जहाँ पर आपके एडिनो हाइपोफाइसिस है वहाँ पर किसी आपके डायरेक्ट न्यूरॉन्स एक्सटेंड नहीं हो सकता है, इस वजह से वहाँ पे क्या आपके सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसका नाम होता है आपके
हाइपोपार्शियल पोर्टल सिस्टम लाइक दैट, द लीवर के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है, आपके हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है ना, सेम ऐसा ही पोर्टल सिस्टम आपके यहाँ प्रेजेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर आपके नर्व सेल एक्सटेंड हो जाती है तो वहाँ पे ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपन ने अच्छे से समझने की ट्राई की। अब अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। अब एग्जैक्टली तो देख लिया अपन ने कि जब हॉर्मोन से जाके एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जा रहे हैं और ये रिलीज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जा का रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास और नीरो हाइपोफाइसिस के पास जा का रहे तब जाके रिलीजमेंट हो रहा है। तो ये अपन इसमें समझते हैं, समझे अच्छे से सुनिए। टीआरएच जो सीधा कहा जाएगा आपके, ये जो अपन कहेंगे हाँ ये लिख ही दिया है, एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं ना या एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो टीआरएच कहा जाएगा आपके थायरोट्रॉप्स के पास जाएगा। थायरोट्रॉप्स मतलब ये क्या करेगा, ये आपके एक्साइटेटरी कंडीशन कर रहा है ना, इनहिबिटरी कंडीशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से रिलीजमेंट क्या करवाएगा आपके थायरोट्रॉप से, क्या रिलीजमेंट होता है तो ये इसने टीएसएस क्या रिलीज होता है आपके टीएचएस मतलब थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन या सिक्रेसिंग हार्मोन, ये आपके T3 और T4 आपके रिलीज करवाता है, क्या करवाता है आपके T3 और T4 जिसका नाम दे दिया अपन ने थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो जाए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, अगर ये भी अगर यहाँ पे वर्क करे तो मतलब क्या होता है इसका, इससे क्या होगा आपके ये जो TIH है इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा और इसके सीक्रेशंस को ये रोक देता है, ये सीक्रेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होता है, जब बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तब ये। फिर आपके GHRH ये आपके कहाँ रिलीज होता है तो कहेंगे आपके सोमेटोट्रॉप्स रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हैं अपन इसको एग्जैक्टली ना, जो GHRH है इसको नाम पे अपन दे सकते हैं सोमेटोक्रिनिन, क्या नाम दे सकते हैं अपन सोमेटोक्रिनिन, इनका नाम दे सकते अपन सोमेटोक्रिनिन है ना, नाम क्या दिया अपन ने इसका सोमेटोक्रिनिन, ये सोमेटोट्रॉप्स पे वर्क करेंगे है ना, सोमेटोट्रॉप पे वर्क करते सीधा क्या रिलीज होगा आपके तो कहेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बॉडी के अंदर हाइपरकैल्सिमिक और कैल्सिमिक आपके कंडीशन प्रोड्यूस करता है, मतलब सीधा किस पे वर्क करता है आपके लीवर पे वर्क करेगा ये, एंड लीवर से IGF फैक्टर रिलीज करवाएगा, IGF फैक्टर रिलीज होने के बाद तो हाइपर और दूसरा आपके हाइपोकैल्सिमिया वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, अपन को केवल रिकॉल करना सब कुछ। फिर GIRH भी अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है ये आपके नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है इसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, क्या नाम देते हैं अपन इसको सोमेटोस्टेटिन भी, ये समझना ये दूसरे नाम है GIRH को सोमेटोस्टेटिन भी कहेंगे। ये क्या करता है इसको इनहिबिटरी हार्मोन्स के फॉर्म में काम करेगा और इस तरह से आपके यहाँ पे तो कौन सी कंडीशन आएगी थी हाइपरकैल्सिमिक, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी आपके हाइपोकैल्सिमिया या कैल्सिमिक कंडीशन आएगी, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टिकोट्रॉप पे वर्क करते हैं, कॉर्टिकोट्रॉपिन भी आपके कॉर्टिकोट्रॉप पे दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव इफेक्ट में रिलीजिंग का काम करवाएंगे एक तरह से ये, ठीक है। जैसे इनका काम होता है उससे क्या रिलीज होता है आपके ACTH, क्या रिलीज होता है आपके ACTH, ACTH मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स पे गया है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे और यहाँ से आपके हार्मोन रिलीजमेंट करवाए गए है ना। अब कौन से हार्मोन रिलीज करवाता है तो कौन सा आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं ग्लूको आपके कॉर्टिकोसाइड से, ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड क्या रिलीज होता है आपके ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स है ना, ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स रिलीज होते हैं और यही ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड फर्दर आपके हॉर्मोन्स के फॉर्म में आपके रिलीज हो जाएंगे। फिर यहाँ से MHRH मतलब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन ये भी इस पर वर्क करेगा, तो इससे रिलीज होगा आपके क्या आपके मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर मेलेनोसाइट्स या कहेंगे इसके अंदर आपके MHS रिलीज होगा, ये मेलेनोसाइट सेल्स के पास जाएंगे मेलानोसाइट दैट प्रोड्यूस द मेलानिन, मेलानिन रिलीज होगा, क्लियर। इसी तरह से
ये हार्मोन वापस क्या करता है, इसको इनहिबिट करने का काम करेगा, इसको रिलीजमेंट से रोकेगा। फिर जीएनआरएच की बात करें तो गोनेडोट्रोपिन के पास जाता है, जो आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यहाँ से रिलीज होता है आपके क्या एफएसएस एंड एलएस, जो क्या करता है आपके ओवरी, और दूसरा टेस्टिस से क्या रिलीजमेंट करवाता है आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो लैक्टोट्रॉप्स के पास जाएगा, और यहाँ से आपके क्या रिलीजमेंट करवाएगा, तो नाम देंगे अपने एग्जैक्टली पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है आपके, तो कहेंगे ये आपके मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहता है ना, मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। पीआईएच जो, हाँ ये आपके पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव, पर ये आपके निगेटिव इफेक्ट करेगा, इसको आपके रिलीजमेंट से रोकेगा। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपके ये हाइपोथैलेमिक, ये सब के सब हार्मोन कौन से आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस तरह से आपके वर्क करते हैं, तो अपन ने देखा ये अच्छे से। कौन रेस्पॉन्सिबल है एडिनो हाइपोपाइसिस के अंदर, सिक्स सॉरी फाइव टाइप के आपके सेंटर्स है, उन सेंटर्स का नाम बताऊना, थायरोट्रॉप्स, सोमेटोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स, ये इसके थ्रू ये सब हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। क्या ऐसे सेंटर, अब इम्पोर्टेंट बात, क्या ऐसे सेंटर इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर प्रेजेंस होते हैं या नहीं, एनीवन टेल मी, नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ दैट हैव द नर्व, यहाँ आपके नर्व खुद यहाँ तक चली जाती है, तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आ गया ये आपको अच्छे से, तो ये अपन ने एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में समझने की कोशिश की, डिटेल में इसको अगर पढ़ना चाहे तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, इतने जल्दी खत्म नहीं होता एक क्लास के अंदर, है ना, एक एक दो दो घंटे की क्लास होती तब जाके एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी अपन ने एज क्रैश कोर्स के फॉर्म में समझने के लिए ना कि एक तरह से बस समराइज करना जरूरी है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ओके, बाय, टेक केयर।